Hello students, good morning. How are you all? I hope you are fine everyone. Students, आज हम अपनी maths की class में skip counting करने वाले हैं. हमने counting की है, forward counting, backward counting और आज हम करेंगे skip counting. तो देखिए skip counting बहुत easy है. आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये जल्दी से आपको learn हो जाएंगे कि आपको पता भी लग जाएगा कि हमें किस तरीके से करनी है. तो देखिए हमें जब हम स्टेयर्स पे चलते हैं, बहुत बार आप सोचते हो कि थोड़ी सी है ना शैतानी करते हैं बच्चे, तो आप स्टेयर्स भी स्किप कर देते हो. वन स्टेयर पे लेग रख देते हो और फिर सेकंड वाले को स्किप कर देते हो. तो किसी भी चीज को छोड़ना स्किप कहते हैं हम उसे, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे मैम ने कुछ स्केच पेन्स रखे हुए हैं, ठीक है. अब मैम को ये पेन्स उठाने हैं बट वन वन इसमें से स्किप करना है, स्किप टू पे जाना है. मीन्स हमें वन पेन उठाना है और नेक्स्ट वाले पेन को जंप करके उससे नेक्स्ट वाले पे जाना है. स्टार्ट करते हैं. देखिए मैम ने ये वन पेन उठाया बट मैम को सेकंड पे जाना है, स्किप करना है. तो हम इस पेन को ड्रॉप कर देंगे और जंप करके इस वाले पेन पे आ जाएंगे. फिर ये हमने पिक किया ये वाला पेन, अब ये वाला स्किप करना है. फिर हम ये वाला पेन पिक करेंगे, ये स्किप करना है, अब ये पिक करेंगे. तो ये होता है स्किप करना. अब हमने कितने पेन स्किप किए, थ्री. ऐसे ही अब हमें क्या करनी है, स्किप काउंटिंग. तो ये बहुत इजी है. मैम ने यहाँ पे 1 से 20 तक काउंटिंग नोट की है. अब देखिए हमें क्या करना है, 1 से हम स्टार्ट करते हैं. 1 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, 1 से हमें स्किप करना है. तो 1 से जब हम जंप करेंगे तो 2 पे नहीं आएंगे क्योंकि हम 2 को स्किप करेंगे और जो नंबर हम स्किप करेंगे उस पर हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है. 3 पे आएंगे. 3 पे आने के बाद जब हम 3 पे आ जाएंगे तो 3 के बाद हमें कौन सा नंबर स्किप करना है, 4. 4 नंबर स्किप करना है तो 4 पे हम सर्कल करेंगे और हम आएंगे सीधा 5 पर. ये सर्कल हम क्यों करें, क्योंकि हम ये नंबर स्किप कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे सर्कल करना है. 5 पे आ गए. 5 के बाद अब हमें 6 नंबर क्या करना है, जंप करना है. तो हम यहाँ पे सर्कल शेप कर देंगे ड्रॉ. 7 पे आए. 7 के बाद अब हमें 8 पे जंप करना है, स्किप करना है 8 को. तो हम 8 को सर्कल ड्रॉ करेंगे और 9 पे आएंगे. 9 पे आने के बाद हमें क्या करना है, 10 स्किप करना है. तो 10 पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. हम आते हैं 11 पे. 11 पे आ गए. 11 के बाद अब हमें 12 नंबर स्किप करना है. तो 12 पे सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है. 12 के बाद अब हम 13 पे क्या करेंगे, आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 10 पे से 11 स्किप किया है, सॉरी 10 स्किप करके 11 पे आए हैं. अब हमने 12 स्किप किया है तो 12 पे सर्कल किया. 13 पे आए. अब हमें 14 स्किप करना है तो 14 पे हम पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. अब हम 15 पे आ जाते हैं. 15 के बाद हमें 16 स्किप करना है तो हम 16 पे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे. 17 पे आएंगे. 17 पे आए. 17 के बाद हमें 18 स्किप करना है. 18 पे सर्कल किया. 19 पे आए. 19 के बाद हमें किस पे, किसको स्किप करना है, 20 को, ठीक है. तो 20 पे हमने सर्कल किया. अब आपको पता लग गया हमने ये स्किप किया है. इसी तरीके से अब देखिए 1-1 नंबर के बाद हमने सर्कल किया है. इट मीन्स हमने स्किप काउंटिंग 2 कंप्लीट की है. 1 से हम 2 पे स्किप करके 3 पे आ गए. 3 से हमने 4 स्किप किया, 5 पे आ गए, ठीक है. तो ये आपको भी करना है ये वाला वर्क, और ये अच्छे से समझना है. मैम ने आपको जैसे बताया है आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा और इसके बाद आप ये वर्क कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.